प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, मैं पल्लवी ठाकुर और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आपको बता दें कि बरौनी खाद कारखाने में 8388 करोड़ की कुल लागत के साथ इस अगस्त के महीने से उत्पादन शुरू होने की संभावना है। रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने बताया कि बरौनी में स्थापित यूरिया खाद कारखाने की कुल लागत 8388 करोड़ है, जिसमें से 75% राशि खर्च हो चुके हैं। अगस्त 2022 तक कारखाना प्रारंभ होने की संभावना है। मोदी के एक अन्य प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पूरे देश में नैनो यूरिया की 6 राज्यों में 8 स्थानों पर फैक्ट्री स्थापित किया जा रहा है। यहां 48 करोड़ बोतल 500 मिलीमीटर प्रति वर्ष उत्पादन होगा। बिहार के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वर्तमान में बिहार में नैनो यूरिया प्लांट लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पिछले दिनों बरौनी फर्टिलाइजेशन का निरीक्षण किया। बरौनी खाद कारखाने की क्षमता 1.27 मैट्रिक टन सालाना है। पहले मार्च 2021 फिर नवंबर 2021 में उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि दोनों बार कोरोना काल और रॉ मटेरियल की आपूर्ति में कमी की वजह से समय से काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन इस बार फिर अब उम्मीद जगी है। अगस्त 2022 में बरौनी खाद कारखाने में यूरिया का न सिर्फ उत्पादन होगा बल्कि बाजार में भी आ जाएगा। बरौनी कारखाने से यूरिया उत्पादन होने से किसानों को काफी फायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अब तक बरौनी फर्टिलाइजेशन में लालू यादव और अन्य लोगों ने शिलापट लगाने का काम जरूर किया, लेकिन आज तक कारखाना शुरू नहीं हुआ। अब केंद्र की मोदी सरकार ने इसे न सिर्फ शिलान्यास किया बल्कि अब उद्घाटन के करीब भी पहुंच गया है। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।